जनता को काटा, भ्रष्टाचारियों को सटाया, यानी जनता को काट दिया और जितने भ्रष्टाचारी थे सबको अपने में मिला लिया। देश के संसाधनों की तिजोरी काटी, सब कुछ कर दिया अदानी और कॉरपोरेट मित्रों के हवाले, एक एक कर बिक रहे बैंक समेत सारी सरकारी संपत्ति। क्या क्या काट लिया भाई, देख लो जरा। देश के युवाओं को किया बेरोजगार सरकारी नौकरियों के नाम पर। अब आगे देखिए, जनता के पैसों की तिजोरी काटा, कॉरपोरेट मित्रों के हवाले किए देश के संसाधन। चको जो लूटने वाले लोग हैं उनके साथ हमदर्दी भी है। सच को काटा, झूठ को गले लगाया। प्रधानमंत्री ने जनता से सरेआम बोला झूठ। कुछ दिन पहले भाजपा ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, और आज आरजेडी के पूर्व विधायक ने नारा दिया है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। यानी बिहार में पोस्टर वॉर जो राजधानी पटना में प्रतिदिन चलते रहता है, इसको लेकर राजद के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने एक पोस्टर लगाया है राजद कार्यालय के बाहर, और पोस्टर पे साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे वॉर किया है और पोस्टर के जरिए बहुत ही हमला किया है। देखिए पोस्टर में क्या कुछ लिखते हैं, युवाओं का भविष्य काटा। इसमें क्या क्या काट लिया भाई, देख लो जरा। देश के युवाओं को किया बेरोजगार सरकारी नौकरियों के नाम पर वादा खिलाफी। अब देखिए, देश का अमन चैन काटा, सांप्रदायिक जहर घोला, डर के साए में जनता रहने को मजबूर। यानी 2014 के बाद से जिस तरीके से लगातार वॉर हो रही है, अंदरूनी लड़ाइयाँ जो चल रही है, सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है लोगों के दिमागों के अंदर, ये पोस्टर के जरिए बताया जा रहा है। अब आगे देखिए, जनता के पैसों की तिजोरी काटा, कॉरपोरेट मित्रों के हवाले किए देश के संसाधन, एक एक कर सब बेच दिया। यानी एक एक करके सब कुछ इन्होंने, मोदी सरकार ने बेच दिया है, साफ तौर पर ऋषि मिश्रा का ये कहना है। जनता को काटा, भ्रष्टाचारियों को सटाया, यानी जनता को काट दिया और जितने भ्रष्टाचारी थे सबको अपने में मिला लिया। अब देखिए, भ्रष्ट नेताओं के साथ आत्मीयता, सैकड़ों करोड़ लूटने वालों के साथ हमदर्दी। यानी भ्रष्ट जो नेता हैं उनके साथ आत्मीयता है और सैकड़ों जो लूटने वाले लोग हैं उनके साथ हमदर्दी भी है। सच को काटा, झूठ को गले लगाया। प्रधानमंत्री ने जनता से सरेआम बोला झूठ, अपने सभी नेताओं को झूठ की पाठशाला में बिठाया। अब आगे देखिए, अपने सहयोगी दलों को काटा। अब इसमें जो है बीजेपी ने अपने सहयोगी दल को ही काट लिया था, आप भी देखे भी होंगे ये बातें। अरुणाचल प्रदेश में अपनी सहयोगी दल जदयू के ही विधायकों को तोड़ पार्टी किया खाली, लोजपा के 5 विधायकों को तोड़कर अपने में मिला लिया, ये उस टाइम आप न्यूज में देखे भी होंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा गया है, 2014 से जनता का जेब काटा, भीषण महंगाई के दलदल में देश को फंसाया, घरों में चूल्हा जलना भी किया मुश्किल। यानी 2014 के बाद से जनता के ऊपर जितनी महंगाई की बोझ पड़ी, और जिस तरीके से 2014 के पहले जो गैस की क्या कीमतें थी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और 2014 के बाद गैस की क्या कीमतें हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो ये है। फिर देखिए आगे, इसमें देश के संसाधनों की तिजोरी काटी, सब कुछ कर दिया अदानी और कॉरपोरेट मित्रों के हवाले, एक एक कर बिक रहे बैंक समेत सारी सरकारी संपत्ति। यानी जितने भी प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है लगातार, उसको लेकर हमला किया गया है। युवाओं को काटा, बेरोजगारी से युवा त्रस्त, अग्निवीर लाकर सेना के शौर्य का किया अपमान, सरकारी नौकरियों से मोड़ लिया मुंह। यानी जिस तरीके से अग्निवीर जो स्कीम आई थी उसको लेकर काफी देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रही थी, युवा काफी सड़क पर निकले हुए थे, आगजनी हो रही थी चारों तरफ में, उस पर हमला किया गया है। अब नीचे देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया, सबको काट लिया एक ही साथ में, सैकड़ों करोड़ों लूटने वाले भ्रष्ट नेताओं को गले लगाया। यानी जो जो सैकड़ों करोड़ों जो नेता लूट लिए उनको गले लगाकर अपने पार्टी में मिला लिया, अपने साथ मिला लिया, उनको नेता और मंत्री बना दिया। छोटे उद्योगों का गला घोटा, जितने भी छोटे उद्योग थे उनको बंद करवा दिया गया, उनका गला घोट दिया गया। गैस के नाम पर महिलाओं को ठगा गया, गैस के नाम पे महिलाओं के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ हुई है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देश के अमन चैन को काटा, सांप्रदायिक जहर जमकर घोटा। यानी 2014 के बाद से सांप्रदायिक जहर जमकर घोटा गया है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और ये जो पोस्टर है, राजद के पूर्व विधायक हैं, सहप्रवक्ता भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और ऋषि मिश्रा इनका नाम हुआ, और लगातार पोस्टर वॉर राजधानी में जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप इस पूरे वीडियो पर क्या सोचते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।